प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है। लिहाजा इसी को लेकर खरगोन जिले में मंगलवार को जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में कलेक्टर गोपाल चंद डार्ट के सानिध्य में 20 अप्रैल तक कर्फ्यू लगाने की सहमति दी गई, जिसे लेकर प्रशासनिक महकमे में मुस्तैदी दिखाते हुए तकरीबन 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस दौरान SDM अभिषेक गहलोत ने बताया कि शासन की मंशा अनुरूप अति आवश्यक रूप से टोल फ्री नंबर जारी किए हैं और कर्फ्यू उल्लंघन की दशा में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। जो है उसमें सख्ती और ज़्यादा बरती जाएगी, कोई भी अपने घर से ना निकले, इसलिए पूरे शहर में जितने भी खरगोन जिले के जो शहर हैं उन सब में कर्फ्यू लगाया जा रहा है। किस तरीके किन किन को पात्रता रहेगी सर? नहीं, छूट किसी को भी नहीं है। जो अत्यावश्यक आवश्यकताएं हैं उसके लिए एक नंबर विशेष रूप से पहले दिया गया था, उसमें जो फ़ोन करेगा और कोई विशेष लगेगा तो उससे उस समय छूट दी जाएगी। हैं जो आवश्यक वस्तुओं की जो डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए हैं केवल उन्हीं को छूट है। इसके अलावा जो अनावश्यक मेडिकल के पर्चे लेकर देखा है कि वो बताते हैं कि अपने पिताजी की दवाई है और जो पर्चा निकलता है बच्चे का निकलता है, तो इस प्रकार के लोग भी रहेंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभी सुबह से जो है SDP साहब, TI साहब, तहसीलदार साहब, हम सब लोग साथ में घूम रहे हैं। 4 लोगों को शहर में से पकड़ लिया है जिसके खिलाफ जो है फौजदारी मुकदमा कायम कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।